उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 18x50 का प्लॉट, जो कि 100 गज का प्लॉट है, 900 स्क्वायर फीट एरिया है इसका। तो दोस्तों, इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों दिखाऊंगा मैं इसमें। तो इसमें हमने 2 BHK डिजाइन किया है फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे हमने हॉल और कार पार्किंग दी हुई है। तो दोस्तों, ये हमारा, और ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी है दोस्तों, और ये हमारा 9 फीट वाइड का मेन गेट है दोस्तों, जिसमें पार्किंग बनी हुई है। और ये हमारी पार्किंग है 9 फिट 4.5 इंच बाई 18 फिट। ये 9 फिट 4.5 इंच ऐसे है और 18 फिट ऐसे है। और दोस्तों, ये हमारा हॉल में जाने के लिए डोर विंडो अटैच डोर दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा लगेगा। और ये हमारा हॉल है 17 फिट 3 इंच बाई 30 फिट का, 17 फिट 3 इंच ऐसे है और 30 फिट 1 इंच ऐसे है। और इसी में हमने टॉयलेट डिजाइन कर रखा है, अंदर हॉल से टॉयलेट दे रखा है हमने। 7.5x5.3 इंच का टॉयलेट दे रखा है हमने, 7.5 ऐसे है और 5.3 इंच ऐसे है। और ये हमारी सीट लगी हुई है, ये शावर है और ये वॉश बेसिन है। और दोस्तों, इसमें जीना हमने यहाँ से दे रखा है, ये हमारा जीना है जो 3 फिट वाइड का है, हमने ऊपर चढ़ा रखा फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारी एंट्री यहाँ से होगी, ये हमारी लॉबी है, लॉबी में एंट्री होगी डायरेक्ट। ये हमारा सोफा डला हुआ है, डाइनिंग टेबल डली हुई है ये वाली। और लॉबी का साइज है 12 फिट बाई 16 फिट का साइज है लॉबी का, जो कि काफी अच्छा है छोटे प्लॉट के हिसाब से। और एक बेडरूम हमने बाहर की तरफ दे रखा है, फ्रंट की तरफ, और हमने बालकनी भी छोड़ रखी है। 5 फिट 4.5 इंच की बालकनी है जो हमने बाहर के लिए छोड़ रखी है। और 9 फिट 4 इंच बाई 14 फिट 3 इंच का ये बेडरूम है, ये बेड डाल रखा है हमने, और ये टीवी लगा रखी है, और ये वार्डरोब बनी हुई है हमारी। और इसमें हमारा ये टॉयलेट है, जिसमें एक इंडियन सीट लगेगी, एक इंग्लिश सीट लगेगी, जिसका साइज है 4.5x5.5 फिट का साइज दे रखा है ये हमने। और ये टीवी लगा रखी है हमने लॉबी में। और दोस्तों, ये बाथरूम में हमारा नहाने का एरिया है, 4.5x6 का है। और पीछे हमने ये शाफ्ट दे रखी है वेंटिलेशन के लिए। और ये वॉश बेसिन दे रखा है हमने लॉबी के लिए। और दोस्तों, ये 10 फिट 6 इंच बाई 14 फिट 6 इंच का ये एक बेडरूम ये है हमारा, जो कि ये भी काफी अच्छा है। ये बेड डला हुआ है ये हमारा, और ये वार्डरोब बनी हुई है, सामने टीवी है। और इसका वेंटिलेशन हमने यहाँ इधर से कर रखा है, ये पीछे हमने ओपन भी रखा है, जो किचन में से है। ये हमारी किचन है और ये हमारी पूजा है। और दोस्तों, ये हमारे सिंक, वो गैस लगी हुई है, और सिंक हमारी इधर है ओपन में दे रखी है हमने। और किचन का साइज है 6 फिट 4 इंच बाई 9 फिट 6 इंच का है, जो कि काफी अच्छा है। और ये हमारा ओपन है पीछे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसे डिजाइन किया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों, ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं एक चीज बताना भूल गया आपके लिए। दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने वास्तु दिखाया था कि वास्तु किस तरीके से करते हैं, वो यही घर था जिसका मैंने ये नक्शा बनाया है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये नक्शा बना हुआ है, और किस तरीके से वास्तु हुई थी वो मैंने वीडियो दे रखी है, पिछली वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना तो किस तरीके से इसकी वास्तु हुई है घर की, तो मैं देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।